स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। और मैं आज जा रहा हूँ गौतम कुंड, जो कि अभी सुबह का 7 बज रहा है। और अभी हम लोग सीधा रेलवे स्टेशन चल रहे हैं और ये वहाँ से फिर निकलेंगे गौतम कुंड के लिए, कमतौल स्टेशन के लिए। अभी मेरे पास में जो ये मेरा बैग है, पूरा सेटअप, ये भी मेरे साथ है। और मैं अभी स्टेशन चौक है, यहाँ पर हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा ब्रेकफास्ट करके और सीधा हम लोग निकलने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों, अब हम लोग मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं, गौतम कुंड हम लोग पहुँच चुके हैं। और आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में, वो सामने एक नहर का पुल आएगा सामने आगे। इसको पार करने के बाद जो गौतम ऋषि थे, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गौतम कुंड। और यही है हम लोग का गौतम कुंड, जो दरभंगा ज़िला में पड़ता है। और बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर ये एक टेंपल है, प्राचीन टेंपल है। लगभग 600 वर्ष पुराना ये टेंपल है, जिसमें अभी हमारे सीएम नीतीश कुमार बिहार के 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा लगा करके इस मंदिर को और भी खूबसूरत बनवाया है। और ये देखिए बाकी यहाँ का नज़ारा आप लोग, ये एक यहाँ पे ये देखिए सामने में एक कुंड है, इसमें 12 लगभग कुंड है। और ये हम लोग का बहुत ही एक विशाल गौतम ऋषि का। ये हमारे भगवान श्री सीताराम जी, यही है इनका मंदिर। और बहुत ही भव्य मंदिर ये, अब तो बहुत भव्य बन चुका है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से सीएम नीतीश कुमार ने इस मंदिर के ऊपर खर्च किया है, तब से ये बहुत ही विकास किया है ये मंदिर। मैं आज से 3 साल लगभग पहले आया था, तो यहाँ पे ये सब सुविधा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ही बेहतरीन बन चुका है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। ये अपने हमारे सबके भगवान, पूरे धरती के भगवान श्री सीताराम जी, और इनके सेवक हमारे ये गुरु जी, जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं कई वर्षों से और भगवान का सेवा कर रहे हैं। और हम लोग को भी ऐसा जीवन में एक समय तो ज़रूर मिलना चाहिए जो हम लोग भी किसी बड़े मठ मंदिर में भगवान का सेवा करें। और ये मैं भगवान को कहना चाहता हूँ, और भगवान खुद ही मेरे को इस अपने शरण में एक ना एक दिन तो ज़रूर बुलाएंगे। चलिए फिर वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय सियाराम, जय बजरंगबली। हो गया गौतम कुंड का हॉल, बेसमेंट नीचे का है ये इलाका जो, और इसके ऊपर में मंदिर है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में पहले। और ये दाता का नाम एवं पता, दान की राशि, ये सब वगैरह पूरा लिस्ट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पढ़ के, नाम वगैरह सब, धनराशि वगैरह सब। ये मतलब चारों तरफ ये बोर्ड हर जगह मिल जाएगा, ये देखिए ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है एक एक चीज़ का, जिन्होंने भी यहाँ पे दान किया है। मैं आपको पढ़ के सुना दूँ तो, जैसे कि राजकुमार ठाकुर ब्रह्मपुर उत्तरवारी टोला 5101, सुनील कुमार ठाकुर रतनपुर 27517 5051, राम स्नेही ठाकुर ब्रह्मपुर 5001 रुपया,
ऐसे ही करके मतलब कि सब लोगों ने दान कर रखा है। और ये इस तरफ में कुंड है, तो ये हो गया दोस्तों गौतम कुंड का भंडार घर। ये हो गया भंडार घर, यहीं पे पंगत वगैरह का व्यवस्था और भोजन का होता है। और ये एक मैं आपको खूबसूरत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कटहल का पेड़ है यहाँ पे, और कितना छोटा छोटा कटहल है ये देखिए। और इतना खूबसूरत ये कटहल का पेड़ है, आप देखिए मतलब कितना सारा फल है। इसका सब्जी बहुत बेहतरीन होता है। और ये एक पीपल। तो दोस्तों ये था अपना गौतम कुंड, ये जो आपने जो भी देखा अब तक जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को। और फिर अभी आप वीडियो में अब हम लोग आगे